जी अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आई वैटी स्टूडियो के अंदर एक ऐसी अपडेट आई है, एक ऐसा ऑप्शन आया है जो वाकई कमाल का है। अगर आपका एक लॉन्ग वीडियो का चैनल है या शॉर्ट वीडियो का चैनल है तो आपके लिए एक कमाल की वो अपडेट है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो पुराना चैनल है उसके ऊपर वो व्यूज़ नहीं आ रहे, आप ये सोचते हैं कि हम ये जो अपनी जितनी भी वीडियो है वो डाउनलोड करके अपना एक नया चैनल बना लें। हम अक्सर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी जो वीडियो है उसको वो डाउनलोड करते थे, उससे ये होता था कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम हो जाती थी। लेकिन यूट्यूब ने हमें ये खुद ऐसा एक फीचर दिया है, एक ऐसा पॉइंट दिया है जिसे हम अप्लाई करके अपनी जो वीडियो है वो हम बड़ी आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक नया जो चैनल है उसके ऊपर हम इसको वो पब्लिक कर सकते हैं, एक नया चैनल वो हम वो बना सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की अपडेट है चैनल को। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलते हैं वो क्वालिटी कंटेंट होते हैं। यहाँ पे जो भी होती हैं वो हवा में बातें नहीं होती। इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल ही ओरिजिनल हर चीज़ वो सिखाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है आपने उसको वो प्रेस कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आप तक वो पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने जो वाइटी स्टूडियो उसको हमने ओपन कर लेना है और वहाँ से हमने इसको सीखना है कि हमने जो अपनी वीडियो वो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो को मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद ये जो नीचे कॉन्टेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने जितनी भी वीडियो वो सारी आ गई हैं। तो यहाँ से हम कोई एक वीडियो ले लेते हैं, हम शॉर्ट वीडियो एक ले लेते हैं यहाँ से हम। तो मैंने इसके ऊपर वो क्लिक किया है, ये जो थ्री डॉट बने हुए हैं हमने इसके ऊपर वो क्लिक करना है। तो जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया है तो ये ऊपर शेयर वाला ऑप्शन है, उसके बाद एडिट वीडियो लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ प्ले वीडियो, उसके नीचे ये जो लिखा हुआ सेव टू डिवाइस, ये हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था, तो अब YouTube ने हमें ये वाला ऑप्शन दे दिया है। तो इसके ऊपर जैसे ही हम वो क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जो वो लोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें ऊपर हमारी वीडियो वो लोडिंग पे वो लग गई है। तो यहाँ से हम अब पीछे आ जाते हैं और अपनी गैलरी में जाके वो चेक करते हैं कि आया कि हमारी वो वीडियो लोड हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह आप यहाँ से वीडियो लोड कर सकते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो ये मैं गैलरी को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी वो गैलरी को मैंने ओपन कर लिया है। तो मैंने चेक करना है, ये देखें यहाँ वो हमारी वीडियो वो गैलरी में वो आ गई है। तो ये देखें हमारा जो शॉर्ट वाला लोगो है वो भी आ गया है, हमारा जो चैनल का हैंडल है वो भी यहाँ वो शो। इस तरह आप भी अपने चैनल की वो वीडियो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी और चैनल के ऊपर, जो नया चैनल आप बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप वो पब्लिक कर सकते हैं। तो ये थी वाइटी स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन, ये कुमार की अपडेट है। तो आप इसी तरह अपने चैनल की जितनी भी वीडियो हैं आप ये आप सोच रहे हैं कि हमारा ये चैनल है वो अब वो नहीं चल रहा, अब नया चैनल बनाना चाह रहे हैं, तो आपको किसी एप्लीकेशन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ से इसी तरह ही आपने डाउनलोड करके तो अपने चैनल के ऊपर आपने वो वीडियो दोबारा से वो पब्लिक कर देनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।